नमस्कार दोस्तों, ग्वालियर रेल न्यूज़ के नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हमारे पास ऐसी दो जानकारियां हैं जिनके बारे में जानकर निश्चित रूप से आपको प्रसन्नता होगी। पहला समाचार ये है कि ट्रेन मेंटेनेंस के लिए जो बुंदेलखंड साइडिंग है वहाँ पर दूसरी वॉशिंग पिट के निर्माण का कार्य धरातल पर शुरू हो गया है। बहुत दिनों के बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर किसी नए निर्माण की आहट साफ सुनाई देने लगी है। जैसा आप देख पा रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की वर्तमान पिट की बगल से जो एक्स्ट्रा लाइन थी वहाँ से पटरियों को हटा दिया गया है और कुछ दिनों में यहाँ खुदाई करके वॉशिंग पिट की निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। रेलवे ने इसके लिए एक साल का टारगेट रखा है और करीब 10 करोड़ की लागत से ये कार्य पूरा किया जाना है। ये कार्य समय पर पूरा हो जाए इसके लिए रेलवे ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी हैं। दूसरा समाचार भी इसी वॉशिंग पिट के से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि झांसी मंडल में ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट लगाने के लिए ग्वालियर का चयन किया गया है। 2.5 करोड़ की लागत से बुंदेलखंड साइडिंग पर शुरुआत में आगरा एंड पर ये प्लांट लगाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार झांसी मंडल के PRO मनोज कुमार सिंह ने इस बारे में बताया कि ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट झांसी मंडल में ग्वालियर का चयन किया गया है। इसके लिए 2.5 करोड़ की राशि मंजूर हो गई है और जल्द ही काम शुरू होगा। जैसा आप जानते हैं, ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट से ट्रेन के सभी कोच के बाहरी हिस्से और कोच के नीचे के हिस्से मशीन से धुल जाते हैं या केवल कोच की बेहतर तरीके से सफाई करते हैं। साथ ही साथ ये पर्यावरण के अनुकूल भी हैं क्योंकि इसमें पानी का रिसाइकलिंग के जरिए दोबारा से प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसी भी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं रहती। ट्रेन जैसे ही यार्ड में पहुंचती है इसकी धुलाई शुरू हो जाती है। इस प्लांट में 24 कोच की ट्रेन 15 मिनट में धुलकर साफ हो जाती है। इसके लिए ट्रेन में लगने वाले 5 से 6 कर्मचारी भी आवश्यक नहीं रहेंगे। इसमें केमिकल भी कम लगेगा, साथ ही यह काम कम समय में बेहतर तरीके से पूरा हो जाएगा। ट्रेन के अंदर की साफ सफाई के लिए रेलवे अपने कर्मचारी लगाएगा। ये ऑटोमेटिक प्लांट रेलवे स्टेशन पर बुंदेलखंड साइडिंग पर लगेगा। इसके लिए जल्द ही काम शुरू होने की पूरी उम्मीद है। ट्रेन आने के बाद धुलने के लिए अभी अलग अलग साइडिंग पर जाती है। इसके बन जाने के बाद ट्रेनों की सफाई का पूरा काम बुंदेलखंड साइडिंग में ही होगा। जैसा आप जानते हैं कि ग्वालियर में कुल मिला के 3 वॉशिंग पिट हैं, 2 आगरा एंड पर और 1 बुंदेलखंड साइडिंग कहते हैं। धीरे धीरे रेलवे की प्लानिंग है कि तीनों वॉशिंग साइड बुंदेलखंड साइड पर ही आकर कंसंट्रेट हों और आगरा एंड वाली साइटों को ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ पर रेल विस्तार के काम और यार्ड वगैरह का काम किया जाए। दोस्तों, इस जानकारी के साथ साथ एक मैं बात खास तौर से यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि इस बार की जो वीडियो क्वालिटी है उसमें आपको कैमरे के अंदर काफ़ी वाइब्रेशन हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि सच में बताऊँ तो ये वीडियो बहुत ही चोरी छुपे तैयार किया गया है। पिछले 1 साल से ऐसे हालात देखने में आ रहे हैं कि अगर हम रेलवे की विकास योजनाओं या किसी भी प्रकार की क्रियाकलापों का वीडियो बनाने के लिए जाते हैं तो पुलिसकर्मी, RPF वाले, यहाँ तक कि रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी हमसे पूछताछ करते हैं, धमकाते हैं और कैमरा छीनने और फिल्म मिटवाने का काम करते हैं, वीडियो को डिलीट कराने का पूरा प्रयास करते हैं। बड़ा ही अपमानजनक लगता है। अगर ये वीडियो रेलवे के अधिकारियों तक पहुंच रहा हो तो मेरा निवेदन है कि इस बारे में कोई अनुमति पत्र हमें
देने का प्रयास करें। हो सकता है कि कुछ लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से दुर्घटनाएं बड़ी हों और रेलवे को नुकसान उठाना पड़ रहा हो और इसीलिए यह कानून बना हो, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो लोग सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए पूरी गंभीरता के साथ रेलवे की विकास योजना और क्रियाकलापों को आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको अपना काम करने में असहजता और अपमान का सामना न करना पड़े, इसके लिए कोई परिचय पत्र या पहचान पत्र की व्यवस्था हो सके तो अति उत्तम होगा। मैं माननीय DRM महोदय से व्यक्तिगत रूप से यह निवेदन करता हूँ कि इस बारे में वो सहयोग करने की कृपा करें, जिससे अपना काम करते समय हमें असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और अगर कोई कमी दिखी हो तो भी अपनी शिकायत हम तक ज़रूर पहुँचाइए। आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाएगा और आपकी आलोचना हमें सुधार का मौका देगी। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इस कामना के साथ मैं विजय कार्तिक शर्मा अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।